कब आप मनोज दे से मिलने जा रहे हैं, आप ये थोड़ा सा बता दीजिए। तो यार ये सच है कि मेरे घर से मनोज दे का घर ज्यादा दूर में नहीं है। सो हे गाइज, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमारे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जिन्होंने अपने चैनल को काफी तेजी से ग्रो किए हैं। उनका नाम है राहुल, उनके चैनल का नाम है द स्मार्ट सीरीज यूट्यूब चैनल। तो राहुल भाई, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्पर में। तो राहुल भाई, मैं तो आपका ऐसे इंट्रोडक्शन दे ही दिया हूँ, कुछ आप अपने बारे में कुछ अपने तरफ से इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। तो दोस्तों यार, सबसे पहले थैंक यू सो मच अशफाक भाई का, जिन्होंने अपने YouTube चैनल पे आने का मौका दिया और आप लोगों से बात करने का मौका दिया। और दोस्तों, अगर मैं अपने बारे में आप लोग को बताऊं तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मेरा भी एक YouTube चैनल है जिसका नाम है द स्मार्ट सीरीज। और दोस्तों, मैं उसमें YouTube से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता हूँ और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच राहुल भाई जी, आप अपना इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। तो चलिए राहुल भाई, चलते हैं क्वेश्चन की ओर और आपसे कुछ कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया जाए। तो राहुल भाई, आप मुझे ये बताइए कि आप इतना जल्दी आप अपना चैनल ग्रो कर लिए हो और आपका जो सब्सक्राइबर काफी तेजी से बढ़ा है, तो आप अपना थोड़ा सा सीक्रेट बता सकते हैं क्या कि आप कैसे आप अपने चैनल को इतना जल्दी से ग्रो कर पाए हैं? तो दोस्तों यार, जहां तक बात रही चैनल ग्रो होने का, तो दोस्तों यार, मैंने सिर्फ एक चीज पे फोकस किया और वो था कंटेंट। अगर आप कंटेंट में ज्यादा फोकस करोगे तो आपका भी चैनल ग्रो होगा, और उसके बाद आपको ध्यान देना है थोड़ा एसईओ पे, तो इस तरीके से आपका चैनल ग्रो होगा। और दोस्तों, मैंने थोड़ा सा पेड प्रमोशन भी किया था, इसलिए मेरे चैनल पे इतना जल्दी इतना ज्यादा सब्सक्राइबर इंक्रीज हो गया। तो चलिए राहुल भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे कर लेता हूँ। राहुल भाई, आप ये बताइए कि आप अपने चैनल पर तो गूगल एड्स चलाए हैं, और क्या छोटे यूट्यूबर को गूगल एड्स चलाने चाहिए जो कि अभी नए नए यूट्यूब पे आ रहे हैं, जो कि अपना खुद का कंटेंट बना रहे हैं, क्या उनको भी अभी गूगल एडवर्ड्स यूज करना चाहिए या फिर नहीं? तो यार, जहां तक बात रहती है गूगल एड्स यूज करने का, तो यार गूगल एड्स सभी लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन यार, आपको सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले फोकस करना चाहिए अपने कंटेंट पे। अगर आपको सच में लगता है कि हाँ, हमारा कंटेंट बहुत ही अच्छा है, अगर हम इस पे इन्वेस्ट करेंगे पैसा तो इसमें लाइक्स भी आएगा, इससे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, तो आप ज़रूर गूगल एड्स को यूज़ कीजिएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपके चैनल पे अच्छा कंटेंट नहीं है, तो आप सबसे पहले अपने कंटेंट को इम्प्रूव कीजिए, बोलने का जो स्किल है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए, एसईओ कीजिए, उसके बाद आप गूगल एड्स यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात राहुल भाई बोले कि आप अपना पहले खुद का कंटेंट इम्प्रूव कर लीजिए, खुद का कंटेंट अच्छा बना लीजिए, उसके बाद आप गूगल एडवर्ड्स चला सकते हैं। खुद से आपको लगे कि हाँ, मेरा जो वीडियो है लोगों तक पहुंचे और मेरा कंटेंट है काफी अच्छा, सबसे हट के, तो आप बिल्कुल गूगल एडवर्ड्स यूज कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर कंटेंट ही अच्छा नहीं है, आप कितनों भी गूगल एडवर्ड्स, मतलब कितना भी गूगल एडवर्ड्स यूज करें, फिर भी आपका चैनल ग्रो नहीं हो सकता। इसलिए मेन फोकस आप अपने कंटेंट पर दीजिए, उसके बाद गूगल एडवर्ड पर। तो चलिए राहुल भाई, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ कि ऐसी कौन सी तीन गलती है जो कि अक्सर नए यूट्यूबर करते हो और 2021 में उनको नहीं करनी चाहिए? तो यार, जहां तक बात करें कि गलतियों के, तो यार बहुत सारा गलती है। जैसे कि अभी बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अभी 2021 में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और वो लोग अपने YouTube चैनल पे बहुत सारा मिक्स कंटेंट अपलोड करते हैं। जैसे कि एक बार वो टेक वीडियो अपलोड कर देते हैं, उसके बाद कुछ दिन बाद उसमें गेमिंग अपलोड करने लगते हैं। तो यार, आपको सबसे बड़ा गलती ये नहीं करना है कि आपको मिक्स कंटेंट अपने चैनल पे नहीं अपलोड करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, अगर सेकंड गलती के बारे में बात करें, तो बहुत सारे लोग रेगुलर नहीं रहते हैं। एक दिन आज वीडियो अपलोड किए, फिर दो वीक बात करते हैं, फिर एक मंथ बात करते हैं, तो ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, आपको अपने चैनल पे रेगुलर रहना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको रेगुलर रहना ही पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, अगर थर्ड मिस्टेक के बारे में बात करें, तो बहुत सारे लोग सब्सक्राइबर के पीछे भागते हैं। लेकिन दोस्तों यार, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप सब्सक्राइबर के पीछे भागेंगे तो आपको सिर्फ सब्सक्राइबर मिलेगा, लेकिन आपको एक्टिव जो व्यूअर होता है वो नहीं मिलेगा। इसलिए आपको सबसे पहले अपना कंटेंट इंप्रूव करना चाहिए, उसके बाद आपके चैनल पे ऑटोमेटिक सब्सक्राइबर इंक्रीज हो जाएगा।
तो थैंक यू सो मच राहुल भाई कि आपने इतना अच्छा बताया कि ये जो 3 गलती है मोस्ट यूट्यूबर जो छोटे छोटे यूट्यूबर है वो करते रहते हैं, तो आप लोगों को ये 3 जो गलती है नहीं करनी चाहिए और आपको अपने कंटेंट पर ध्यान देकर काम करना चाहिए। तो चलिए राहुल भाई आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये सभी लोगों के मन में जरूर होगा। तो राहुल भाई आप बताइए कि आपका जो घर है वो मनोज दे के घर से कुछ ही दूर हटके है और आप भी वही के धनबाद के ही रहने वाले हैं, तो कब आप मनोज दे से मिलने जा रहे हैं, आप ये थोड़ा सा बता दीजिए। तो यार ये सच है कि मेरे घर से मनोज दे का घर ज्यादा दूर में नहीं है, 20 मिनट की दूरी पे है। लेकिन यार जहाँ तक बात रही मनोज दे से मिलने का, तो मुझे लगता है कि हमारा ये जो 10 स्मार्ट सीरीज चैनल है इसको और भी ज़्यादा थोड़ा सा ग्रो करें, उसके बाद जाके मनोज दे से मिलेंगे। और अगर आप लोग का इसी तरह प्यार और सपोर्ट बना रहा तो बहुत ही जल्द मनोज दे से जरूर मिलेंगे। राहुल भाई कि आप जब भी आप जाएंगे अपने मतलब कि मनोज दे सर से मिलने, तो हम लोगों को भी जरूर बताइएगा और कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, एक जरूर ब्लॉग बनाइएगा। तो चलिए आपसे एक बात मतलब कि क्या पूछ ली यार, आप मेरे चैनल पर आए हो तो मुझे काफी ज्यादा खुशी मिली, लेकिन आपको कैसा लगा हमारे चैनल पर आके? तो यार जहां तक बात रही आपके चैनल पे आने का, तो यार बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे ये जो अशफाक भाई जो वीडियोस बनाते हैं, आप लोगों ने देखा यार बहुत ही यूनिक कंटेंट होता है, बहुत ही अच्छा वीडियोस बनाते हैं, आप लोग को अच्छे से समझाते हैं, तो यार मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी लगा आपकी YouTube चैनल पे। थैंक यू सो मच राहुल भाई, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और राहुल भाई के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर राहुल भाई के चैनल को विजिट कीजिए। ऐसा राहुल भाई मेरा बड़ाई जो कर रहे हैं ये बिल्कुल नहीं भाई, मेरे से कई गुना राहुल भाई काफी अच्छा है, और इनके चैनल को आप एक बार विजिट कर लेंगे तो काफी, मैं कहता हूँ कि आप इनके चैनल को जल्दी फोकस करोगे और इनका कंटेंट काफी हैवी होता है, इनका थंबनेल बैनर काफी अच्छा है। आप इनके चैनल को एक बार जरूर विजिट कीजिए और ये जो भी ट्रिक आप लोगों को बताते हैं बिल्कुल जेन्युइन ट्रिक होता है इनका। मैं कंटेंट मुझे काफी अच्छा लगता है, मैं खुद इनका चैनल का जो वीडियो है मैं खुद देखा करता हूं और मुझे काफी ज्यादा इनसे सीखने के लिए मिलता है। तो थैंक यू सो मच राहुल भाई जिन्होंने आप मेरे चैनल पर आके मेरे ऑडियंस को इतना कुछ बताया। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो राहुल भाई के चैनल को जाकर विजिट जरूर कीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।